छोटे छोटे रानी छोटी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार अभी आपने देखा वो मुर्गी जो हम हलाल करा के ला रहे हैं उसका गोश्त नीचे ही पड़ा हुआ है और उसकी बात मेरे से नहीं हो रही यार। 2 साल के पाले हुए बच्चे वो हलाल करा दिए मैंने। मिश्री मुर्गियां थी जैसी भी थी यार, 2 साल कहाँ बल्कि यार 3 से 4 साल हो गए पले हुए मेरे हिसाब से, क्योंकि कब लाए थे चूजे लाए थे इतने से उनको कटवा दिया यार, बीमारी पूरा सेटअप ले गई। और एक और चीज दिखा दूं भाई आज मैं आप लोगों को, ये देखें ये हमने पिंजरा हटा दिया, ये वहां रखा है और ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों को हमने धूप लगवा दी है बहुत अच्छे तरीके से, ऊपर से भी इसको जो कपड़ा था वो फैलाया हुआ था सुबह, तो अभी हटाया मैंने ताकि दिखा सकूं, ये पूरा इनको धूप लगवाई है ताकि इनमें अल्लाह ना करे कोई अगर जरासीम वगैरह हो कुछ भी हो तो वो खत्म हो जाए। और इसके अलावा यार अभी हमारे पास जो है ना वो ये मुर्गी और ये तो खैर बर्ड्स हैं, ये मुर्गा तीतर और ये अभी तक सेट हैं, अभी कुछ पता नहीं है आगे, अभी तक सेट हैं। लेकिन पता ही क्या, हमारे मुर्गे में बीमारी नहीं है जगह पे, अब वो ना बीमारी एक तरीके से बोलते हैं ना कि फैली है, बाकी कहीं भी नहीं है, सामने हमारे घर हैं उधर पले में हम ना सामने लोग यार मुर्गे कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं यार नसीब की बात ही नहीं, ये देख अगर फैलना हो तो उनके अभी तो फैले, यानी कि ये बीमारी आती है वो जगह पे समा जाती है, वो जो एक मुर्गा आया था ब्लैक वो फैला गया है सब में एक जगह से समझे, वो नीचे से फैली है दोस्तों और वो ऊपर तक आ गई है। यार क्या लड़ते रहते हो तुम, चलो उधर इतनी उसके पास जाओ चलो, ये देखें अभी ये भी सही है और ये भी, तकरीबन हम सारा सेल आउट कर रहे हैं भाई, खत्म हो गया। एक और मुर्गा था कटवा दिया हलाल करा दिया, 2 मुर्गियां भी आपके सामने वीडियो में हलाल हो गई, वो भी सब जाए जा रहा है यार इस वजह से ना, हम सिर्फ इस वजह से इसको भी सेल आउट कर लेना है? तो देखते हैं ये बच्चे समय देखना अगर ये मुझे यार, वैसे तो सही है माशाल्लाह, ये अभी तक दोस्तों फिर भी सेट है, ये हो गई और ये हो गए माशाल्लाह से सेपरेट हो गए और छोटा डॉन, अब पता नहीं क्या होना है यार आगे समझ नहीं आ रहा। बाकी एक और चीज इनको भी बेच रहा हूँ भाई मैं, ये जो है हमारे सुरखाब, बाकी यार इनका क्या करना, तुम बोल लेते कुछ मेरे को, ये छोड़ के आओ नहीं भी शिफ्ट कर कहाँ पे सारों को कजन के घर पर, ये दोनों ये मुर्गियां सारे और वो बच्चे वाला बच्चे यहाँ ही रहने दो उसको, तो मुर्गी को ये 3 जोड़े यार, ये बोलने के जो 3 फैंसी जोड़े है ना वो समेत और ये जो है कजन के यहाँ छोड़कर आ जाएं हम, इसमें डाल के उनको दे दें, तकरीबन 1 हफ्ते तक उनके पास रखवाएं ताकि यहाँ की सफाई वफाई करके ना पूरी, और यहाँ पे हम पूरा साफ सुथरा वो छिड़के टाइट वाला, और भाई तो बोले थे फिनाइल डाल देंगे, वो बोल रहे हैं फिनाइल डाल के मैं पूरा साफ करवाओ ताकि फिर ये ना हो कि अल्लाह ना करे ये जो भी आई है ना बीमारी अब ना आए किसी में यार, तो बस काफ़ी नुकसान हो गया भारी हमारा, अच्छा खासा नुकसान हो गया हमारा इस चक्कर में। और नीचे मैं तुम लोगों को दिखाऊं अभी मेरे पास कौन कौन से मुर्गे जो हैं उनकी हालतें ख़राब हैं। चलो तो यार आ गए हम बाउंड्री में, ये देखें पहली मुर्गी बैठी हुई है, ये जो है हमारी वो है क्या बोलते हैं अपना कुड़क बोल रहा हूँ यार, कंधारी नस्ल वाली मुर्गी। और आप एक चीज़ देखें वादे कर रहा हूँ, ये देखें दोनों मुर्गे बैठे हैं, इनकी हालत देखें, इनको दवा प्रॉपर दी हुई है, ये देखें, वरना ये दोस्तों लड़ते हैं यार आपस में, ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, और आज देखें ये इजिली बैठे हुए एक दूसरे के साथ यार, पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन आप खुद देख लें इजी आराम से बैठे हुए हैं, लड़ नहीं रहे, वरना ये एक दूसरे को इतनी देर में तो ना खूनम खान कर देते, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम कितना कमजोर हुआ हुआ है। ये देखें इसकी आंखें देख रहे हैं आप, ये देखें ये हालत हुई है इनकी, नजला हो रहा है ना शिद्दत किस्म का, गला जो है वो इनका वो बोलते हैं ना ये साफ होता पूरा पोटा साफ होता है, और नजला भी शदीद हो रहा है, और इनको बुखार भी है इनकी, अगर हम ये पर उठा के हाथ लगाएंगे ना तो अच्छी खासी हिलटा पा रही है, और इसको भी सेम यही हुआ, ये देखें ये तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया। चलो हमने इसलिए इनको खुला छोड़ा है, गर्म हो रहा है यार ये बुखार से, इसलिए हमने इनको खुला छोड़ा ताकि दोस्तों ये जो है तकलीफ में ज्यादा ना जाए यार, इस वजह से हमने इनको यहाँ पे खुला छोड़ दिया है। और ये यहाँ पे देखे ना बीटे, इनकी सफेद बीटे अलग ही वाजे हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि शदीद बीमारी में आए हैं, तो बस यार दुआ करें सेटअप के लिए मेरे कि जल्द अज जल्द यार ये बीमारी खत्म हो रानी खेत की,
या कोई भी बीमारी है, ये गर्मी में आए हुए हैं तो बस सेट हो जाए यार, दुआ करें, अल्लाह करे, क्योंकि हमारा पूरा सेटअप तबाह होकर रह गया है। ये दोनों भी इनका दुआ करें, कुछ नहीं पता किस टाइम हमें इनको कटवाना पड़ जाए। और ये जो है ये अभी तक फिर भी सेट है थोड़ी बहुत, और जो और माती हमारे पास वो सेट है, वो अंदर है नीचे शायद इसके अंदर। तो बस यार यही हमारे पास रह गया, इसके अलावा अब हमारे पास कुछ ही नहीं रहा है। अभी तक हमारे सेटअप पे शुक्र है खुदा का यार, इनको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेट है माशाल्लाह से। हमारी तोती साहिबा और ये तोते साहिबा, काफ़ी दिन बाद मैंने आप लोगों को दिखा है, तो मैं ना दिखा दूं यार आज पूरा सेटअप तो देख लिया आप लोगों ने। तो माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव और हेल्दी हैं। चावल खाए जा रहे हैं, चावल खाए जा रहे हैं। यार मैं एक चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, भाई जो है बड़े अत्थर भाई, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, वो मायूस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बोल रहे हैं यार क्या हो गया मेरा सेटअप, हमारा सेटअप इसको नज़र लग गई है वो। मैं उनको भी समझा रहा था कि कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह की उसमें ना हर चीज़ का कोई ना कोई मसलियत होती है, तो हमें दोस्तों किसी चीज़ का ना रोना नहीं चाहिए एक तो, और ना ये करना चाहिए कि अल्लाह की उस पर किसी बात का वो करें कि यार अल्लाह हमी अन्नाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हमें वो नहीं करना चाहिए, अल्लाह की मसलियत है भाई। और मैं इस चीज़ पर एक मुस्लिम होने के नाते वो रखता हूँ कि बेशक अल्लाह ने जो करा बेहतर के लिए करा, हो सकता है इससे बड़ा सेटअप करें, कुछ भी नहीं पता, हो सकता है आगे फील्ड ही कुछ और हो, तो अल्लाह बेहतर जानता है मुस्तकबिल को, और वो लिखने वाला है हमारा फ्यूचर आगे, उसको सब पता है आगे क्या होने वाला है, उसने तकदीर लिखी है। तो बस बाकी वही है कि हमें खुद भी अशरफुल मखलूकात बनाएं, तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में खुद। बाकी दोस्तों हमारा सेटअप शादो आबाद इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, ये मेरा दिल बोल रहा है, और इंशाल्लाह मुझे अपने रब से पूरा हुआ है भरोसा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, बस ना उम्मीदी की वो नहीं रखनी चाहिए हमें कोई भी। हाँ भाई छोटो सेट हो, ब्राउनी, इसका नाम हमने ब्राउनी रख दिया, याद रखिएगा, मैं अगर भूल जाऊँ तो याद दिला देना इसका नाम हमने ब्राउनी रखा है। मैं इनको पता है क्या बोल रहा हूँ, है बोल रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, सेटअप हैरान हो गया, अभी भी यही बोल रहा है कि सेटअप हैरान, अत्थर भाई भी यही बोल रहे हैं कि ये देखो क्या कर दिया यार, सब खाली पड़ गया। मिलना भाई वक्त है गुजर जाएगा, इधर एक बात सुनो, अगर बीमार नहीं होते किसी और तरीके से मर जाते, क्या कर लोगे आप, बात खत्म। मैंने यही समझाया कि उसमें नाराज मत हो, अल्लाह की कोई बेहतरी होती है, अल्लाह पाक हर चीज की ओर रखता है, एक औसतन उम्र होती है दोस्तों इनकी भी, आपको कुछ नहीं पता, आप अपना पूरा करते हो लेकिन पूरी कोशिश करते हो, लेकिन अगर फिर भी वो हो रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई वजह है, इंसान भी होता है, वो भी एक्सीडेंट में किसी का कुछ हो जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है, बीमारी आ जाती है, नहीं होता, तो वो चीज को आप रद्द जहन में रखें। बाकी ये था कि कल का मैं बता चलूँ, कल मेरा आप लोगों के पास व्लॉग नहीं आया होगा, तो उसकी एक वजह थी कि यार कल ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ था, भाई वगैरह भी, क्योंकि अजीब अजीब मतलब वो कि यार पता नहीं क्या हो गया ये वो, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो उस वजह से यार कल की वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए व्लॉग नहीं आ पाया था। खैर आज बनाए तो इंशाल्लाह आएगा, और डेली बेसिस पे मैं व्लॉग बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। जो है यार उसमें खुशी है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतना सेटअप है, बहुत है, अल्लाह ने दिया हुआ है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नहीं होता लोगों के पास ये भी यार, उनके पास एक एक मुर्गे होते हैं, दो दो मुर्गे होते हैं, तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा दिया हुआ है और मैं उसमें खुश हूँ। बाकी आप लोगों की दुआएं, दुआ करें कि हमारे सेटअप वापसी आबाद हो, हम और बढ़ाएँ और बड़ा करें, मुझे बहुत बड़ा करना था लेकिन जब होना होगा इंशाल्लाह हो जाएगा। खैर दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आते होंगे, तो अगर पसंद आते हैं तो इस वाले व्लॉग को लाजमी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।